सरकार को माँ बाप बनाए और सरकार भी हमको फेंक रहा है। वोटिंग के समय आ जाते हैं दाई दादा माँ बाप भाई बहन कर, और वोटिंग गया तो कौन पूछने वाला नहीं है, ऐसे करते क्या करेंगे, कौन सुनेगा हमारा दुख को। कहाँ कहाँ से भटक भटक के पानी लाए हम लोग, कहाँ पीने पानी मिलेगा, हमने कितनी साफ सफाई करी, चार घंटे से बच रहे हम लोग, हमको पानी होना, बाल बच्चे क्या करेंगे हम। यहाँ इतने मच्छर है कि रोज इंसान बीमार पड़ रहा है, जा रहे हैं डॉक्टर के दो लोग खत्म भी हो गए हैं सर, कमाएंगे कि डॉक्टर को देने जाएंगे। Dalits are historically a community which has been marginalized, which has been betrayed, which has been completely excluded, secluded and taken away from this entire sphere of development. Though they had knowledge, but the knowledge was not even acknowledged as knowledge at all by the mainstream. If you look at the broader pan-Indian context where the Dalits used to live in rural areas and all, the only water source that was available to them was basically the rainwater. That was the only important source of it. The tanks were not allowed for them. They were not allowed to take water from the ponds, from streams, or from rivers, or any other sources. And of course, we could say like, you know, rivers and these are like, you know, gift of nature. But I mean, rivers cannot flow in the vacuum. It cannot flow in the air. It needs land. It needs it has to flow on a land mass. And to reach that river or to reach that tank, the person has to walk or to be, you know, he has to go on the surface, which is basically land. Now, when the untouchable Dalit or a scheduled caste do not have the right to walk on the land because the land doesn't belong to him, now how will he be able to access the water? Just by non-Dalit कम्युनिटी कहीं बसाहट करता है तो वो रिसोर्सेज के साथ बसाहट करता है क्योंकि उनके पास अर्थ रहता है, पावर रहता है, लेकिन ये संसाधन ही होने के कारण ऐसी जगह में आके मरीन जगह में बसते हैं क्योंकि उनको समाज का भी खौफ और डर रहता है, उसमें सबसे ज्यादा सर्वाइव जो महिलाएं करती हैं। अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ एनी सिटी मोस्ट ऑफ द स्लम्स आर नॉट इनहैबिटेड बिकॉज दे आर इलीगल एंड द लैंड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, दे आर दिस नो इनहैबिटेड। So technically, now there is a whole class of people who lives there, a working class, who work in urban areas, who works in the houses, who works on the streets, who works in who cleans the toilets, who clean the drainages across the city, but they are illegal. They don't have an identity. They are Benami people. They are without any identity. पानी को लेके नाना प्रकार के व्यंग होते हैं, दो हाथ के पानी पीबो कर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो एक प्रकार से कहना चाहिए अपराध है, कानूनन अपराध है, लेकिन अगर हम थाने में जाएंगे तो थानेदारे बोलेगा कि ये तो ठीक है, मामला हम दर्ज कर लेते हैं कि ये सामूहिक तौर पे हुआ है, मामला बनता है, लेकिन आपके पास कागज है, जाति प्रमाण पत्र है, तो महिला बोलेगी मैं तो भैया मैं तो फलाने समाज की हूँ और जो दलित में आता है शेड्यूल कास्ट में आता है कानूनन मुझे अधिकार है, तो आप सर्टिफिकेट लाओ, वो महिला सर्टिफिकेट के लिए दौड़ेगी, तो एसडीएम बोलेगा आपके पास 50 साल का मिसल है दिखाओ, वो मिसल के लिए पटवारी के पास अपने गांव पूछेगी तुम्हारे पास जमीन है बताओ, तो जिसके पास जमीन है उसी का मिसल में नाम रहेगा 1923, 1930, 1932 जो भी मिसल बना होगा। अब जो दलित समाज को पानी रखने का अधिकार नहीं था, जमीन तो बहुत दूर की चीज है, पानी सही साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था महाड़ आंदोलन के पहले तक, वो महिला के पास या उस परिवार के पास कहाँ से जमीन आएगा? अब जमीन नहीं है तो आप 50 साल का रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगे, 50 साल का रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, जाति प्रमाण नहीं प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आपका FIR दर्ज नहीं होगा। बाकी मूलभूत सुविधा के बारे में बताइए क्यों तो नहीं हो सकता हो तो फैक्ट है, लेकिन हम अपने सम्मान के लिए अगर हम अपने आवाज को बुलंद करना चाहें तो ये असंभव हो जाता है क्योंकि एक हमारे पास कागज नहीं है, कागज नहीं होने के कारण हम दलित नहीं है लेकिन समाज में हम दलित हैं, इसलिए हमारे साथ छुआछूत है।
Now, if you look at the map of the town and country planning, in most of the areas which is inhabited by this section of people, the Dalits, mostly the urban Dalits, you will find that that is like a blank area. So, accordingly, in accordance with that, there is no compulsion. When you talk to a town and country planning person, there is no compulsion that an unoccupied or an illegal area or an area which is completely still the government land in their map needs any provision to be provided for water facility. हमारा ना इतना सालों से हम लोग रहते हुए गंदगी में हम लोग रहते हैं, कोई नहीं सुनते हैं हमारा, नाला को कोई साफ नहीं करते हैं, नाला साफ नहीं करते, सुलझ नहीं रहा, इधर इधर हम लोग भटकते रहते हैं, ना है ना रेल भाई कुछ जाते हो लेटरिन बेडरूम तो उसी में भी हम लोग कितना मुश्किल से भगाते हैं, भगाते हैं कितना है ना कार्ड भी गया। स्वच्छ भारत अभियान जो है दलितों के लिए अप्रासंगिक है, क्योंकि आप देखिए जो दलित समाज जो महिला उन्मूलन कानून बना है उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वे पे महिला उठाने का काम कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या उनके घर में शौचालय है? उनकी महिला क्या उन शौचालय का उपयोग कर रही है? अगर है तो उसका स्वरूप क्या है? ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। अगर है भी तो उनके पास पानी की व्यवस्था कितनी है, चाहे शहर के संदर्भ में हो चाहे गांव के संदर्भ में हो। समय पे पानी आता है शहर में जहाँ पीने के लिए 5 बूंदी 7 बूंदी 8 बूंदी जो भी मिलता हो मैक्सिमम मिलता है, तो 6 बूंदी पानी में वो अपना पानी पीने का उपयोग में लाएंगे, खाना बनाने का उपयोग में, उसमें एक आध डब्बा और रखे भी रहते हैं बाहर जिसमें एक दो लोटा, जैसे गर्मी है तो कम पानी से नहाना, और उसी में हम एक और डाल रहे कि उसमें शौचालय में भी 4 डब्बा पानी डालना है, तो ये तो एक्स्ट्रा बर्डन महिलाओं के ऊपर हो रहा है। अब खासतौर से एक सफाई कामगार समुदाय की महिलाएं हैं तो उनको जो है कितना एक्सेस होता है वाटर नल पे जाके, क्या आसानी से मिल जाता है उनको? उनका अपना मोहल्ला है तो ठीक है, थोड़ा एक चांस है कि थोड़ा पानी मिल जाएगा, लेकिन अगर वो कॉमन मोहल्ले में कॉमन अगर मान लो जगह से पानी भर रहे हैं तो आज भी वो बहुत मुश्किल है कि इन महिलाओं को पानी कैसे दे। अब पानी कैसे दे, लेने के पानी मिल रहा है तो शौच के लिए पानी उतना दबंगई से ला पाती है क्या? वो एक तो बहुत बड़ा मामला है। यहाँ पर तो हर चीज का समस्या है, अरे तो नल लगा दे तो क्या होता है, नल में पानी तो गंदे पानी आता है ना, नल का नल में भी पूरा कीड़ा मकोड़ा पानी आता है। द राइट टू वाटर इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द राइट ओवर लैंड, सो व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द राइट ओवर लैंड टू द दलित, it also means that you are blocking his right to water. It also means that you are blocking his right to live. It also means that you are actually denying him the fundamental rights given in the constitution of this country. Now, if you look at the water policy where you call it the PPP, the public-private partnership, you know, mechanism, what is it all about? It's basically creating the space for the industrial houses, whereby industrial houses get huge quantum of water from rivers, from streams and from all different natural sources of water. Even if you look at the coastal areas, you know, the sizable amount of water goes to this kind of factories. So this is basically the current, you know, scenario is where the policies are so much industry centered, corporate house centric, and the policies are basically designed in a format where the Dalits are nowhere in the picture because the map doesn't have Dalits. The map doesn't have Dalits, so there is no need of a water for them. So they don't have drinking water. And the entire water goes into a lot of, you know, wastage of this. So the public-private partnership business is basically legitimizing untouchability to the untouchables, or the new format of the class of untouchables, whereby they legitimize that not providing water is not wrong, not providing water to them is not illegal, it is legal, it's completely legal. That's the first part. Now the second part is that how do you look at it as a citizen? The question is, are the Dalit citizens of this country or not?
If they are the citizens of this country, why are they not given the land rights? Why are they not given the water rights? Why do they don't have the rights over the productive resource? Why should they be, like, you know, still counted and still treated as people who do not have any validity in this country? Where are the rights that you have promised in the constitution, and the rights that you keep coming up day in and day out through different mechanics of different acts and laws and each one of us? Where are those promises? So these are very serious issues that needs to be discussed, debated, and unless and until you sustain this process, the Dalits will not be able to develop. And one more thing which I want to say. The current Dalit process is basically, in this country, if you look at the pan-Indian context of what they call it as the Dalit movement, I would say that one needs to really rethink of what they call it as Dalit movement. I do not see a proper Dalit movement which should ideally be the movement against all forms of discrimination. I call it the anti-caste movement. The anti-caste movement should be ideally against all forms of discrimination against all human beings. But what we see at the moment is that we only see an anti-upper caste movement. So this anti-upper caste movement is not going to deliver the resource rights to the Dalit people. The resource politics is the most fundamental politics in terms of nation building of any country.